कल छुट्टी नहीं है? ओ, बाद में आना कल, है ना? कल छुट्टी नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसडी मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सी बाड़मेर। आज मैं आपको अवसादी सेल एवं उनके वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। यह शब्द सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंटियम से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना, अर्थात वे चट्टान चून जो एकत्र होकर नीचे जमा होते जाते हैं, उनसे ही अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलों को पर्दार सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अवसादों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। जब पर्दार चट्टानों का जमाव होता है तो चट्टानें संगठित नहीं होती हैं। सिलिका, कैल्साइट तथा लोहे के यौगिक आदि खनिज तत्व मिलकर पर्दार चट्टानों के संयोजक तत्व हैं, जो पर्दार चट्टानों को संगठित करते हैं। अब है अवसादी सेलों की विशेषताएं। पहला है, अवसादी चट्टान का निर्माण चट्टान चून तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। यही कारण है कि अवसादी सेलों में जीवावशेष पाए जाते हैं। दूसरा है, अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी सेलों से बना हुआ है तथा शेष 25% भाग आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों से बना हुआ है। तीसरा है, अवसादी सेलों में परतें पाई जाती है परंतु यह सेल रविदार नहीं होती है। चौथा है, आग्नेय सेल की तरह अवसादी सेलों में बड़े बड़े स्थल रूप नहीं पाए जाते हैं। पांचवा है, अवसादी सेल संगठित हो सकती है अथवा असंगठित एवं ढीली भी। चट्टानों का संगठन संयोजक तत्व तथा खनिज पदार्थों के ऊपर आधारित होता है। छठा है, अवसादी सेल क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है। पार्श्वती दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाते हैं तथा ये चट्टाने सामूहिक रूप से अपनति तथा अभिनति के रूप में पाई जाती हैं। जब दबाव अधिक पड़ता है तो चट्टाने टूटकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तथा उनमें दरार भी पड़ जाता है। सातवां है, अवसादी चट्टानों की विशेषता यह है कि उनमें संधियां तथा जोड़ अधिक पाए जाते हैं। ये जोड़ खासकर संयोजक तल से बने या संयोजक तल से लंबवत रूप में होते हैं। आठवां है, अवसादी सेलों में दो परतों के संयोजक भाग को संयोजक तल कहते हैं तथा संस्तर तल भी कहते हैं। दो परतों के संस्तर के सहारे परतों के पारस्परिक स्वरूप संबंधों के संविन्यास कहते हैं। जब झुकी हुई परतों के साथ कोणिक झुकाव होता है तो इस प्रकार के संबंधों को असंविन्यास कहते हैं। इसके विपरीत जब दो परतें समानांतर होते हैं परंतु उनके स्वभाव एवं रचनाओं में विषमता मिलती है तो इस प्रकार के विन्यास को असंविन्यास कहते हैं। आगे है, नदियों द्वारा बिछाई गई मुलायम एवं पंख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जब सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं तो उनमें इस तरह की दरारें पड़ जाती हैं। इनका आकार बहुभुज के रूप में होता है। इस प्रकार की दरारों को पंख पटन कहते हैं। दसवां है, अवसादी सेलें प्राय मुलायम होती हैं जैसे चीका मिट्टी तथा पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं जैसे बालू का पत्थर। अवसादी सेल अधिकतर बेद प्रवेश होती हैं। कुल मिलाकर अवसादी चट्टानें कोमल भी होती हैं तथा अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है। अब अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का मुख्यतः अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है, निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार। निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है, यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित अथवा चट्टान चून से निर्मित अवसादी सेल। इसके छह भाग है। पहला है,
बालू का पत्थर, दूसरा है जल से निर्मित बालू का पत्थर, तीसरा है कॉन्ग्लोमेरेट अथवा गोलाश, चौथा चीका मिट्टी, पांचवा सैल और छठा है लोयस। तो इसमें सेकंड है जैविक तत्वों से निर्मित सैल। इसमें के तीन भाग हैं, ए चूने का पत्थर, बी कोयला और सी है पीट। तीसरा है रासायनिक तत्वों से निर्मित सैल। इसमें ए है खरिया मिट्टी, बी सैल खरी और सी है नमक के चट्टाने। दूसरा, औषधि सैलों के निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के अनुसार औषधि सैलों का वर्गीकरण। इसमें ए है सागर निर्मित तलछट, बी झील में निर्मित तलछट, तीसरा है नदीकृत सेल, इसके बाद वायु द्वारा निर्मित सेल और इसके बाद है हिमानी द्वारा निर्मित सेल। इस आधार पर औषधि सेलों को के जो वर्गीकरण है वो पहला जो रचना सामग्री के आधार पर औषधि सेलों का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात रचना सामग्री के आधार पर औषधि सेलों का वर्गीकरण। औषधि सेल का निर्माण कई प्रकार के पदार्थों तथा औषधक से होता है। अपक्ष के कारण चट्टानों का विघटन एवं वियोजन होने से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती है। इस प्रकार से प्राप्त अवसाद को चट्टान चूर्ण अथवा चट्टानों के टुकड़ों से प्राप्त अवसाद कहते हैं। कुछ घुलनशील पदार्थ जल के साथ मिले रहते हैं, इस प्रकार के अवसादों को घुलनशील रासायनिक पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार कुछ जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष होते हैं जिन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त तीन तरह के पदार्थों से जैसे चट्टान चूर्ण, रासायनिक घुलनशील पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ के आधार पर औषधि सैलों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। सैल चूर्ण से निर्मित अवसाद सैल। अपक्ष की यांत्रिक क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों में विघटन होता रहता है, जिसके कारण चट्टानें कमजोर होकर छोटे एवं बड़े टुकड़ों में टूटती रहती हैं। फलस्वरूप अपक्ष अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए रचना सामग्री का काम करता है। अपर्दन के विभिन्न साधन जैसे कि जल, हवा, हिमनद, सागरीय लहरें आदि इन पदार्थों को अपनी शक्ति से एक जगह से लेकर दूसरी जगह बिछाते रहते हैं। जब इन पदार्थों का जमाव सागर, झील तथा नदियों में होता है तो विभिन्न परतें संगठित हो जाती हैं तथा इस प्रकार से निर्मित सेल को औषधि सेल कहते हैं। इस श्रेणी की चट्टानों में मुख्यतः बालू का पत्थर है, कॉन्ग्लोमेरेट है, सिल्ट, चीका मिट्टी तथा लोयस है। बालू का पत्थर, जब रेत के कणों का एकत्रीकरण एवं संगठन संयोजक पदार्थों द्वारा होता है तो बालू का पत्थर का निर्माण होता है। बालू के पत्थर के संयोजक तत्व सिलिका है, कैल्शियम है व लोहे के ऑक्साइड तथा चीका है। दूसरा है कॉन्ग्लोमेरेट, जब रेत के साथ कंकड़ मिले होते हैं और चिकने हुए गोल आकार के पत्थरों के टुकड़ों को कंकड़ या पेबल कहते हैं। जब कणों का संगठन क्वार्ट्ज खनिज द्वारा होता है तो उसे ग्रेवल का निर्माण या सिलिका द्वारा से तोड़ने पर होता है। तो चट्टान सबसे अधिक कठोर तथा अपर्दन के लिए अवरोधक होती है। अपनी कठोरता के कारण कॉन्ग्लोमेरेट का योग स्थलाकृतियों के निर्माण में अधिक होता है। जब कंकड़ गोल कणों वाले होते हैं तो उसे निर्मित सेलों को ब्रेशिया कहते हैं। दूसरा है चिका मिट्टी एंड सेल, जब सेल में कणों का आकार 1/32 से 1/256 मिलीमीटर व्यास का होता है तो उसे सिल्ट कहते हैं। जब इन कणों का व्यास 1/256 से 1/8192 मिलीमीटर होता है तो उससे सेल को चीका या क्ले चट्टान कहते हैं। क्ले चट्टान का निर्माण पूर्णतः केओलिन खनिज द्वारा होता है। सिल्ट एवं क्ले के संगठन हो जाने पर सेल चट्टान का निर्माण होता है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित सेल, बहते हुए जल के साथ कुछ घोलक रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं, जिस कारण जब इस जल का संपर्क
अन्य चट्टानों से होता है तो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। बाद में दबाव कम हो जाने पर, जल के वाष्प में परिणित हो जाने पर अथवा जल की प्रवाह गति में कमी आने के कारण घुले हुए पदार्थ नीचे बैठने लगते हैं। इस प्रकार रासायनिक परतदार शैलों का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो शैली है, शैल है वो है औषधीय शैल खरी, नमक की चट्टाने आदि प्रमुख है। इसके बाद कार्बनिक तत्वों से निर्मित शैल, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष भाग उपयुक्त स्थानों पर धीरे धीरे जमा होते हैं, आगे चलकर समुदित होकर ये चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। चूने तथा कार्बन की मात्रा के आधार पर इन शैलों को तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है चूना प्रदान शैल। चूनेदार शैल का निर्माण जलाशय, झील अथवा सागर में उन जीवों के अस्थि पंजर तथा वनस्पतियों के भाग से होता है जिनमें चूने की प्रधानता होती है। रासायनिक अपक्ष के समय कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत जब जल से होता है तो उसके प्रभाव से चट्टानों से कैल्शियम अलग होकर कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है तथा घोलक के रूप में नदियों द्वारा सागर में ले जाया जाता है। जब जीव मर जाता है तो अस्थि पंजर जो कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट के बने होते हैं सागरीय लहरों द्वारा टूटते फूटते रहते हैं। ये बड़े तथा छोटे छोटे टुकड़ों में जब एक जगह बैठकर परतों के रूप में समेत हो जाते हैं तो उनसे चूनेदार पत्थर का निर्माण होता है। खरिया मिट्टी। खरिया मिट्टी का निर्माण छोटे छोटे जीवों जैसे पोडिमीना फेरा द्वारा अलग किए गए कैल्शियम कार्बोनेट के संगठित होने से होता है। दूसरा, कार्बन प्रदान शैलें। जो वनस्पति का भाग पृथ्वी की हलचल अथवा भूगर्भिक हलचल होने के कारण नीचे चला जाता है तथा ऊपर से अवसादों का जमा होता रहता है तो ऊपर का भाग बढ़ जाता है। इससे अधिक दबाव तथा नीचे के ताप के कारण वनस्पतियों का रूप बदल जाता है एवं संगठन के रूप में बाद में वो ठोस चट्टान का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार चट्टानों का प्रारंभिक रूप पीट हो जाता है। पीट बाद में लिग्नाइट तथा लिग्नाइट बिटुमिनस और बिटुमिनस एंथ्रेसाइट कोयले में परिवर्तित हो जाता है। सिलिका प्रदान शैल। जब चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसे सिलिका प्रदान चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण रेडियोलेरिया तथा स्पंज जीवों तथा डायटम पौधे के अवशिष्ट भागों के संगठन से होता है। दूसरा, निर्माण में भाग लेने वाले साधन एवं जमाव के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। परदार शैलों के जमाव के लिए विभिन्न प्रकार के अवसादों की आवश्यकता होती है। परदार अपदन तथा परिवहन के साधनों के साधन इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करते रहते हैं। प्राय अवसादी शैलों का जमाव झील, सागर अथवा नदियों के तटों पर होता है। इस शैल के जमाव में हवा, जल, सागरीय लहरों, हिमानी आदि का प्रमुख हाथ रहता है। जलीय अथवा जल निर्मित शैलें। जब नदियों द्वारा तलछट एक जगह से बहकर उनके किनारे या झीलों में अथवा सागरीय भागों में जमा कर दिया जाता है तो उसे जल शैल का निर्माण होता है। जब तलछट का जमाव सागर में होता है तो उसे सागरीय जलज परदार शैल कहते हैं। जब तलछट का जमाव झीलों की तली में होता है तो इस प्रकार से बनी शैलों को झीलकृत शैल कहते हैं। जब तलछट का जमाव नदियों की घाटियों अथवा उनके किनारे पर होता है तो इस प्रकार से निर्मित शैलों को नदीकृत शैल कहते हैं। वायु द्वारा निर्मित शैल। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में यांत्रिक अपक्ष के कारण चट्टानों के विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप चट्टान चूर्ण बनते रहते हैं। वायु इन्हें एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर जमा करती रहती है। लगातार जमाव के बाद अवसादों की विभिन्न परतें जमा होती जाती हैं। इस प्रकार से बनी चट्टानों को लोयस के मैदान की जैसे कि लोयस चाइना में लोयस के मैदान पाया जाता है वहां इस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है। हिमानी कृत शैल। ग्लेशियर अपने अपरदनात्मक कार्यों द्वारा चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ परिवहन करके उन्हें एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर जमा करती रहती है। इस प्रकार हिमानी द्वारा जमाव में किए गए मलबे को हिमोड या मोरेन कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, पार्श्ववर्ती हिमोड, मध्यवर्ती हिमोड, तलस्थ हिमोड और अंतिम हिमोड।
अर्थात इस प्रकार ये हिमानी द्वारा निर्मित चट्टानों का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको अवसादी शैलों की विशेषता और उनका वर्गीकरण ये बताया। धन्यवाद। खास होता है।